हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एडेनियम की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्लांट मेंटेनेंस का पूरा जिक्र होगा। इस वीडियो को देखने के बाद हमें पूरा भरोसा है कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भरपूर मिल जाएगा। आइए सबसे पहले ज़रूरी बात मिट्टी की हम लोग करते हैं, प्रिपरेशन की। अब आप देखिए, कोको हस्क है, उसको मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। कोको हस्क, इसका ब्लॉक आता है, उसके बाद आपको मिट्टी की प्रिपरेशन के लिए रखनी है, खूब मुलायम कर लें, उसके बाद दोनों को आपस में मिला लें। और ज़रूरी ये होता है कि फंजीसाइड, क्योंकि ये पौधा बहुत जल्दी गलता है, तो आप फंजीसाइड मिलाएं और साथ में पैरालाइट मिलाएं, जिससे कि काफ़ी ये मिट्टी जो है पोरस हो जाएगी, तो जड़ की ग्रोथ में दोस्तों बहुत मजबूती आ जाएगी आपके। इसके बाद इसमें आपको कोको हस्क मिलाना है, मिट्टी मिलानी है, गार्डन सॉइल मिलाना है। हो गई आपकी मिट्टी तैयार, मिट्टी तैयार हो गई है, आइए अब रिपोटिंग करते हैं। सबसे पहले हमको ये पौधे को लेना है, जिसको रिपोट करना है, उसको आप खींचें और ऊपर से उसकी पूरी मिट्टी गमले से निकाल के झाड़ लें। झाड़ने के बाद जितना भी खरपतवार है उसको निकालें और उसके बाद उसको झाड़ लें, मिट्टी को डिटैच कर लें। उसके बाद आप जो अपने मिट्टी तैयार करी है दोस्तों, उसको आप बीच में सेंटर में पौधा रख कर के चारों तरफ से वो मिट्टी डालें और साइड से ज़रूर दबा दें, और ये ज़रूर देखें कि पौधा आपका जो है वो टाइट है। मिट्टी बन गई, उसके बाद रिपोर्ट हो गया। अब आइए बात करते हैं प्रूनिंग की। प्रूनिंग में क्या करना है हमको, कि अगर आपके पास तीन कल्ले हैं, तो अगर आप तीन ही कल्ले रखेंगे तो तीनों कल्ले में फूल आएगा, लेकिन आप अगर प्रून कर देंगे, एक तो पौधे की हाइट दोस्तों कम हो जाएगी, उसके बाद मिट्टी के अंदर पावर आ गई है रिपोर्ट करके, तो जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेज आएंगी उतना ही ज़्यादा फूल खिलेगा। और ये जो आप प्रून करते हैं, ये आपकी बडिंग में भी और ग्राफ्टिंग में भी ये चीज़ काम आती है दोस्तों, इसलिए प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है पौधे की हेल्थ के लिए, कॉडेक्स को मोटा करने के लिए, और मटेरियल आपके पास आ जाता है ग्राफ्टिंग करने के लिए। प्रूनिंग का महीना ज़रूरी है कि आप फरवरी के महीने में करें। वैसे तो डेजर्ट रोज को पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, क्योंकि उसके कॉडेक्स में ही इतनी चीज़ होती है कि वो उसको मिलता रहता है, लेकिन हमें पानी डालना है। पानी आप ऊपर से डालें दोस्त, और सुबह के वक्त डालें, और इतना पानी डालें कि पानी लगना नहीं चाहिए। और इसकी जो मिट्टी की प्रिपरेशन है, वो इसीलिए ऐसी करी जाती है कि पानी उसके अंदर रुके ना। तो पॉनिंग आप मॉर्निंग में पानी डालें, और हफ्ते में एक बार जो है वो ऊपर से छिड़काव करें पानी का। दोस्तों, अभी तक के जो स्टेप्स थे वो सब रख रखाव के बारे में थे, वो जनरल थे घर में लगाने के लिए। अगर आइए अब हम लोग बात करते हैं एडवांस स्टेज की, जिसमें हम लोग ग्राफ्टिंग की बात करेंगे। उसमें सबसे ज़रूरी है, मेरे पास ग्राफ्टिंग टेप होना चाहिए, एक ब्लेड होना चाहिए, और मदर जिसमें से हमको काटना है वो होना चाहिए, और बीजू पौधा होना चाहिए। इस तरीके से आप बीजू पौधा काट लें, और जिस रंग की आपको बड बनानी है, वो ये बटन टेक्निक है, उसमें से आप जिसमें कि दो आई हो कम से कम, तो वो वाला आप काट लें, और इसके ऊपर बिल्कुल हॉरिजॉन्टली दोनों का सरफेस बराबर होना चाहिए, एक के ऊपर एक रख दें। उसके बाद जो कटा हुआ टेप है उसको फर्मली नीचे की तरफ दबाएं और चारों तरफ से उस टेप को बांध दें, इसमें एयर नहीं होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि हो जाएगा। और इसमें मार्किंग ज़रूर कर लें कि किस रंग का हमने मदर लिया था। दोस्तों, ये दोस्तों हमारी हुई अभी तक की ग्राफ्टिंग की बात, ग्राफ्टिंग टेक्निक टोटल। ये दोस्तों बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, जो मिट्टी के अलावा हमको डालना है, वो हमको डालना है DAP और सिंगल सुपर फॉस्फेट का चाचर दाना। इसके अलावा कली आने के पहले हमको जो है 19-19 का छिड़काव वीकली करना है 1% के हिसाब से, और इस एक हफ्ते के बाद आपको हर 6 दिन छठवें दिन 0050 का छिड़काव करना है। ये सब करना है हमको प्रूनिंग और शिफ्टिंग के बाद में। आइए अब बात करते हैं मेंटेनेंस और एडेनियम के रख रखाव की। हमें ये ध्यान देना है कि बरसात के दिनों में पोरस मिट्टी बनने के बाद ऐसे जगह पौधा रखना है कि पानी आए और निकल जाए, पानी रुकना नहीं चाहिए। और इसके बाद जब पौधा जाड़ा आने लगता है, तो वो डॉर्मेंसी में चला जाता है, पत्तियाँ पीली होकर गिरने लगती हैं, तो आपको ओस से जो है दोस्तों बचाव करना है, तो और ठंडक से, तो आपको एक सेमी शेड में पौधा जो है वो जाके रखना है। तो उससे क्या होगा कि आपके पौधों के ऊपर कभी भी फंगस का अटैक नहीं होगा, और पौधा कभी आपका मरेगा नहीं। ये ध्यान दें कि पानी इन दिनों में कम से कम आपको जो है देना है, और खाली छिड़काव के रूप में पानी देना है। बरसात के दिनों में पौधा बाहर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको धूप बहुत पसंद है,
तो ये ध्यान दें कि दोनों का पानी कम नहीं होना चाहिए और पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब ह्यूमिडिटी हो तो उस समय पानी आप कम से कम दो बार दें, क्योंकि उस समय कली आई रहती है और फूल खूब खिलता है, तो ऊपर से स्प्रे करें। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। उसके बावजूद अगर आपको कोई समस्या है तो मेरे चैनल पर जाकर के देखें। आपने वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए हमारा आपका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों।